हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो स्केट वर्ल्ड। आज के वीडियो में स्केटिंग करते हुए स्केटर्स को कितनी बॉडी बेंड करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले एक फैक्ट आपके लिए फ्रेंड्स, क्या आप सोच सकते हैं चार पैरों का जानवर जब वो चलता है तो निशान सिर्फ दो पैरों पर पड़ते हैं। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है फ्रेंड्स, पर नहीं फ्रेंड्स, कैट बिल्ली जब चलती है तो उसके पीछे वाले पैर एग्जैक्टली उसी प्लेस पे आते हैं जहां पर वो अपने अगले पैर रखती है। फ्रेंड्स, जब मैंने ये फैक्ट पढ़ा तो मेरे को काफी अमेजिंग लगा। अब अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि जब स्केटर स्केटिंग कर रहा है तो उसको बॉडी बेंड करनी है, उसका फायदा क्या है। बॉडी बेंड करने से हवा की कटिंग होती है, हवा का प्रेशर स्केटर को पीछे धकेलता है। अगर बॉडी बेंड प्रॉपरली है तो हमारी स्पीड स्केटिंग बहुत अच्छी होती है। तो हमें बॉडी बेंड कैसे करनी है उसके लिए पहले आप ये वीडियो देखिए प्लीज। आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको बॉडी कितनी बेंड करनी है? अपने हाथों से अपने एंकल को टच करिए, जैसा कि सिमरन कर पा रही है। सिमरन अपने हाथों से अपने एंकल को इजीली टच कर पा रही है, ये प्रॉपरली बॉडी बेंड है। नीज की पोजीशन पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, नॉक नीज नहीं करना। दिखाओ बेटा गलत पोजीशन, ये गलत पोजीशन है। थोड़ा स्पेस दो नीज में, नहीं थोड़ा बेंड कीजिए, हाँ ऐसे, ये भी गलत है। पैरेलल टू ईच अदर पैरेलल करो, ये प्रॉपर नी की पोजीशन है। और आपके हाथ एंकल को टच करने चाहिए, सामने देखो बेटा, ये होगी हमारी बॉडी बेंडिंग। अब आप देखिए ये हैंड पोजीशन, हाथ एंकल के पास से निकल रहा है। मैं जूम इन करता हूं, इससे हमारी स्पीड बहुत अच्छी मेंटेन होगी, एयर कटिंग होगी, हमें हवा का प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा। अब आंजने को देखिए, आंजने अपने एंकल को टच करो बेटा, ये प्रॉपर बॉडी बेंडिंग। हैंड पोजीशन चलाओ बेटा, स्विंग योर आर्म्स, अगर आपकी बॉडी प्रॉपरली बेंड है तो स्टेपिंग आप देखिए कितनी अच्छी आती है। फ्रेंड्स, आपने वीडियो में देखा स्केटर्स ने कैसे बॉडी बेंड की है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये हमारी लोअर बॉडी है, ये अपर बॉडी है। आपको बॉडी बेंड करनी है अपनी नी को बेंड करके, जो आपको नीचे आना है नी बेंड करके आना है। ऐसे लोअर बॉडी को सीधा रखकर और अपर बॉडी को ऐसे झुकाना नहीं है, ये गलत पोजीशन हो जाएगी। अपर बॉडी हमारी इस प्लेसिंग में रहेगी और आपके नी बेंड करेंगे और आपके हाथ आपकी एंकल को टच करने चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप अच्छी तरह बॉडी बेंड करते हैं तो आपकी स्पीड भी अच्छी होगी और आपका स्केट पे कंट्रोल भी बढ़ेगा। हाँ, अगर काफी देर बॉडी बेंड करने से आपकी बैक में पेन होता है, इसका कारण क्या है? आपकी बॉडी स्टिफनेस में फ्लेक्सिबिलिटी कम है। इसका इलाज हमारे चैनल पे वीडियो है, हाउ टू बैक स्ट्रेच व्हाइल स्केटिंग। फ्रेंड्स, अब मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि आपको स्केटिंग करते अपनी बॉडी कैसे बेंड करनी है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। फ्रेंड्स, अब एक और फैक्ट आपके लिए, ट्रांसपेरेंट फिश, सही सुना आपने, ट्रांसपेरेंट फिश, सल्पा मैगर एक ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट फिश है, सल्पा मैगर। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।